हेलो गाइस वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं हिमाचल प्रदेश में निकली हुई नई वैकेंसीज के बारे में इनकी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो मन तक बने रहिए चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को आज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें बात करें इन वैकेंसीज की ये वैकेंसीज निकली हैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग एम्स बिलासपुर में पोस्ट है यहाँ पे प्रोफेसर कम प्रिंसिपल की एक एसोसिएट प्रोफेसर की दो असिस्टेंट प्रोफेसर की तीन और ट्यूटर की हैं आठ वैकेंसीज प्रोफेसर कम प्रिंसिपल की है डेप्यूटेशन बेस पे एसोसिएट प्रोफेसर की है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की भी है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ट्यूटर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पे उनकी वैकेंसीज फिलअप की जाएंगी बात करें अदर इंस्ट्रक्शंस की यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो प्रोफेसर कम प्रिंसिपल के लिए मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए नर्सिंग में विद एडवांस्ड स्पेशलाइजेशन इन नर्सिंग रजिस्टर्ड होने चाहिए नर्स एंड मिडवाइफ के साथ टेन ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन नर्सिंग फील्ड आफ्टर रजिस्ट्रेशन एज नर्स जिसमें से सात ईयर्स जो हैं आपके आपने स्पेंड किए होने चाहिए नर्सिंग एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर ऑफटेनिंग द प्रिस्क्राइब पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन एज लिमिट रहेगी 56 सिक्स ईयर्स तक एसोशिएट प्रोफेसर के लिए आपने मास्टर्स की डिग्री की होनी चाहिए रजिस्टर्ड होने चाहिए नर्स एंड मिडवाइफ आठ साल का एक्सपीरियंस जिसमें से पाँच साल टीचिंग एक्सपीरियंस आपका नर्सिंग का होना चाहिए पचास साल तक आपकी एज लिमिट ली जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मास्टर्स डिग्री नर्सिंग की रजिस्टर्ड होने चाहिए पाँच साल का एक्सपीरियंस जिसमें से दो साल आपके टीचिंग के होने चाहिए और एज लिमिट पचास साल तक की ट्यूटर के लिए बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग डिग्री होनी चाहिए रजिस्टर्ड नर्स या फिर मिडवाइफ़ इन नर्सिंग काउंसिल में होने चाहिए और तीन साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग इंस्टीट्यूशन का और पैंतीस साल तक इसमें एज लिमिट आपकी ली जाएगी आगे इसमें बताया गया है कि जितने भी पोस्ट हैं जैसा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉज़ जो हैं सेंट्रल के उनको एडमिसिबल है वैसे ही पे स्केल उनको दिया जाएगा ट्यूटर का जो है वो अलग से इसमें पे स्केल रखा गया है एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरने हैं ऑफलाइन मोड से जिसके लिए लास्ट डेट रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अट्ठाईस फरवरी दो की जो आपको एप्लीकेशन भेजनी है उसके साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भेजनी है मैट्रिक डिग्री की मार्कशीट्स और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपकी ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म है यह आपको बाय रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजना होगा एड्रेस रहेगा द डेप्यूटी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिलासपुर एट कोठीपुरा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर एच पी वन सेवन फोर जीरो और जिससे डिवेलप में आप एप्लीकेशन फॉर्म भेज रहे हैं उसके ऊपर आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फ़ॉर द पोस्ट ऑफ जिस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है विद रिस्पेक्ट टू एडवर्टीजमेंट नंबर आगे आपको एडवर्टीजमेंट नंबर जो है इसका डालना होगा और पे स्किल्स की बात करें तो प्रोफेसर कम प्रिंसिपल के लिए लेवल थर्टीन होगा एसोसिएट के लिए लेवल ट्वेल्व असिस्टेंट के लिए लेवल लेवल इलेवन ट्यूटर के लिए फिफ्टी सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड पर मंथ जो है फिक्स सैलरी इसमें दी जाएगी एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो ये जो फीस होगी ये आपको डिमांड ड्राफ्ट की फॉर्म में पे करनी है इन फेवर ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्स बिलासपुर पेएबल एट बिलासपुर हिमाचल प्रदेश एस सी के लिए फीस रहेगी फाइव हंड्रेड रुपीज़ अदर्स के लिए वन थाउजेंड रुपीज़ डेपुटेशन के लिए ज़ीरो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी कोई भी फीस इसमें नहीं रहेगी तो ये दगाइज इन वैकेंसीज़ के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन अगर आपको इन्फॉमेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें शेयर करें दोस्तों के साथ और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में